जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो का टॉपिक है झारखंड हाई कोर्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर जीके पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पाइथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन विच रिवर। जापान की मदद से पूरा किया गया पाइथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी नर्मदा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि गोदावरी। आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन ए द अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी द एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस या ऑप्शन डी अ बेंच ऑफ हाई कोर्ट जजेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि द एडवोकेट जनरल। आपको बता दूं कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्टंप इन क्रिकेट, क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 30 इंचेस, ऑप्शन बी 32 इंचेस, ऑप्शन सी 25 इंचेस या ऑप्शन डी 28 इंचेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि 28 इंचेस या 71.1 सेंटीमीटर। आपको और एक बात बता दूं कि इसका जो डायमीटर है मैक्सिमम 1.5 इंचेस है या 3.81 सेंटीमीटर और मिनिमम हो सकता है 1/3/8 इंचेस यानी कि 3.49 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द न्यू नेम ऑफ बर्मा इज म्यांमार एंड इट्स कैपिटल इज, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है? ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी एवा, ऑप्शन सी नेपिडो या ऑप्शन डी अराकन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि नेपिडो। क्वेश्चन नंबर 5 है, एडमिरल गौरसोव द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्टेड बाय इंडिया इज नाउ नेम्ड, एडमिरल गौरसोव भारत द्वारा आयात किए गए सोवियत विमान वाहक का नाम अब रखा गया है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी INS विराट या ऑप्शन डी INS विशाल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि INS विक्रमादित्य। आपको बता दूं कि INS विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एज इट्स स्लोगन। ऑप्शन ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी सिख लाइट इन्फेंट्री, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स या ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आपको इसके बारे में और एक पॉइंट बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1984 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज द एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारतीय वायुसेना का एयर टू एयर रिफ्यूलर है? ऑप्शन ए C-17 ग्लोब मास्टर, ऑप्शन बी इलुसिन 76 या ऑप्शन सी इलुसिन 78 या ऑप्शन डी C-13J हरक्यूलिस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि इलुसिन 78। आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स इसको MARS मार्स के नाम से जाना जाता है इंडिया में और इसका फुल फॉर्म होता है मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित पनडुब्की है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS त्रिखंड, ऑप्शन सी INS अरिहंत या ऑप्शन डी INS सिंधु रक्षक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि INS अरिहंत। और आपको बता दूं कि INS अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम इन स्टोन, ताजमहल को अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को अ ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है? ऑप्शन ए द रंग महल, ऑप्शन बी द पंच महल, ऑप्शन सी द रेड फोर्ट या ऑप्शन डी द बाहाई टेम्पल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि द पंच महल। आपको बता दूं कि पंच महल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
The minimum number of members that must be present to hold the meeting of the Lok Sabha is, Lok Sabha की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन सी 50% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, या ऑप्शन डी एटलीस्ट 100 मेंबर्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ जग इज फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर एट 0°C, अ पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन इट, द मोमेंट द आइस मेल्ट्स। एक जग को 0°C पर पानी से भरा जाता है, इसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है, ऑप्शन ए वाटर लेवल डिक्रीजेस, ऑप्शन बी वाटर लेवल इज अनचेंज्ड, ऑप्शन सी वाटर स्पिल्स आउट ऑफ द जग, या ऑप्शन डी वाटर लेवल इंक्रीजेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि वाटर लेवल इज अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर, विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटिंग जुडिशियल मैटर्स, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटिंग लॉज, ऑप्शन सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन डी इनैक्टिंग लॉज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि इनैक्टिंग लॉज। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स इज, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों से युक्त दवा की शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए एलोपैथी, ऑप्शन बी होम्योपैथी, ऑप्शन सी यूनानी, या ऑप्शन डी आयुर्वेद। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि एलोपैथी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आपको और एक बात बता दूं कि नेहरू जी ने ये किताब जब लिखी थी, जब वो अहमदनगर फोर्ट में बंद थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कॉल्ड हनीमून लेक, निम्न में से किस झील को हनीमून झील कहा जाता है? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी टोबा, ऑप्शन सी नायसा, या ऑप्शन डी चैड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि टिटिकाका। ये लेक बोलीविया और पेरू दोनों के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। बोलीविया और पेरू दोनों ही साउथ अमेरिका के देश हैं, और इस लेक को हाइस्ट नेविगेबल लेक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉरेस्ट इन साइलेंट वैली ऑफ केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, केरल की साइलेंट वैली का जंगल इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एल्पाइन कॉन्फेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी मैंग्रोव फॉरेस्ट, या ऑप्शन डी डेसिडियस फॉरेस्ट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइप ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन फ्रॉग आर, मेढक में किस प्रकार के गुर्दे मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए मीटिन फ्रॉस, ऑप्शन बी आर्काइन फ्रॉस, ऑप्शन सी प्रोन फ्रॉस, या ऑप्शन डी मिसोन फ्रॉस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि मिसोन फ्रॉस। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन आवर कंट्री द वन महोत्सव डे इज ऑब्जर्व ऑन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, या ऑप्शन डी 10 अगस्त। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 1 जुलाई। आपको बता दूं कि ये महोत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है, नॉर्मली ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वीबो इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलरली यूज्ड इन, वीबो एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किस देश में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी थाईलैंड, या ऑप्शन डी जापान। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि चाइना। आपको बता दूं कि वीबो एक चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, और इसके ओनर है साइना कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ऑप्शन ए हाइड्रोडिक्टियन, ऑप्शन बी क्लैडोफोरा, ऑप्शन सी क्लैमिडोमोनस, या ऑप्शन डी क्लोरेला।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 371, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 370 या ऑप्शन डी 369। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि 370। आपको इस आर्टिकल के बारे में एक बात बता दूं कि इस आर्टिकल के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन वॉज रिटन बाई। वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए रिसेल कार्लसन, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग या ऑप्शन डी मैसानो फुकुओका। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि मैसानो फुकुओका। आपको बता दूं कि ये एक जापानीज फार्मर और फिलोसोफर थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, फर्स्ट हिंदू अमेरिकन टू इंटर इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज सेनेटर इज। सीनेटर के रूप में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रवेश करने वाले पहले हिंदू अमेरिकी कौन हैं? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी ज्योति सेन गुप्ता, ऑप्शन सी आमी बेरा या ऑप्शन डी तुलसी गैबार्ड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि तुलसी गैबार्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी। आईपीसीसी शब्द का विस्तार करें। ऑप्शन ए इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, ऑप्शन बी इंटरिम पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या ऑप्शन डी इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एंडेमिक स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक स्थानिक प्रजाति है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी इंडियन राइनो, ऑप्शन सी पिंक हेड डक या ऑप्शन डी निकोबार पिजन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि निकोबार पिजन। आपको बता दूं कि ये पिजन अंडमान निकोबार में पाई जाती है और ये काफ़ी रेयर स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मार्टियर्स डे इज मार्क्ड ऑन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी 1, ऑप्शन बी जनवरी 15, ऑप्शन सी जनवरी 30 या ऑप्शन डी जनवरी 9। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि जनवरी 30। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पोल्यूटेंट्स विच मूव डाउनवर्ड्स विथ परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड। भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर बढ़ने वाले प्रदूषकों को कहा जाता है? ए लिक्विड्स, बी पोल्यूटेट्स, सी अर्थाइटिस या डी परकोलेट्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि लिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, लंग्स आर लोकेटेड इन द। फेफड़े कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी पेरिकार्डियल कैविटी या ऑप्शन सी पेरिटोनियल कैविटी या ऑप्शन डी प्लूरल कैविटी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि प्लूरल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच फाइव ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? ऑप्शन ए फर्स्ट 1951-56, ऑप्शन बी सेकेंड 1956-61, ऑप्शन सी थर्ड 1961-66 या ऑप्शन डी फोर्थ 1966-71। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि फोर्थ 1966-71। आपको बता दूं कि ये प्लान कैंसिल इसलिए हो गया था क्योंकि इसका तीन कारण था। पहला कारण था इंडिया और चाइना का वार, सेकंड कारण था इंडिया और पाकिस्तान का वार और थर्ड कारण था भयंकर सूखा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एप्लीकेबल इन। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1952। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि 1950 और डेट है 26 जनवरी। मैं आप लोग को और एक बात बता दूं कि अगर आपको झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम
पे कोई बुक्स चाहिए तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं सारी बुक को, जो कि आपके घर के दिए हुए पते पे आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।